दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 1,000 रुपए सभी महिला को प्रदान किए जा रहे हैं। ये राशि आप सभी को यहाँ पे मिल रही है हर महीने के तौर पे। आप सभी को बता दें कि इसमें आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं यहाँ पे 1,000 रुपए वाला फॉर्म भरना बताने वाला हूँ। किस तरह से भरा जाएगा, उसकी पात्रता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपकी लगने वाली है, सभी चीजें आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ में बताने वाला हूँ। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, सभी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बस वीडियो को एंड तक देख लेना बिना स्किप के। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप लोग वेबसाइट पर पहुंच जाइए। दोस्तों जैसे ही लिंक पर क्लिक किया डायरेक्टली वेबसाइट पर आप लोग आ चुके हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना गवर्नमेंट वेबसाइट आप लोगों को यहां पर दिखाई देगी एंड सिंपली आपको क्या करना है, योजना के बारे में आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं, पूरा यहां पर बताया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब इसमें और नीचे आप लोग अगर आएंगे तो अभी इतने आवेदन हो चुके हैं, इतने को आपत्तियां लगी हुई हैं, कुल पात्रता आवेदक इतने लोग हैं एंड आवश्यक दस्तावेज की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। समग्र परिवार सदस्य आईडी आप लोगों की लगेगी, एक आधार कार्ड लगेगा और मोबाइल नंबर लगने वाला है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक होना अनिवार्य है। दूसरी बात बता दें यहां पे पूर्व तैयारियां क्या क्या करनी है। समग्र का आपको जो आईडी होती है समग्र परिवार आईडी, उसका केवाईसी आप लोगों को करवाना है जो कि थंब लग के हो जाएगा। व्यक्तिगत का बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि जिस लेडीज का भरने वाले हैं उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक खाते की डीबीटी भी आप लोगों के सामने यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए जो कि बैंक में जाके आपकी हो पाएगी। और अब पात्रता में यहाँ पे पूछ लेता हूं, सभी को बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, जिनमें विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। आवेदक के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो। ये सभी शर्तें आप लोगों की अगर है तो आप लोग इसके पात्र बिल्कुल बन सकते हैं, आप लोग अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो। दोस्तों इसकी लास्ट सूची देखने के लिए अंतिम सूची पर जाएंगे। अंतिम सूची पर जाने के बाद में यहाँ पे कोई से भी एक मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे आप लोग, जो कि आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे ये कैप्चा फिल करेंगे एंड ओटीपी प्राप्त करेंगे। ओटीपी जो भी आपके पास में आती है, ये ओटीपी सेंड कर दी गई है, ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करेंगे आप लोग और उसके बाद में ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़ने पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे चयन करेंगे। सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका जिला है वो यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों का जिला आ जाएगा तो उस जिले को आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। स्थानीय निकाय में आप लोगों को अपनी जनपद पंचायत सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद में ग्राम पंचायत आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद में ग्राम वार्ड में आप लोगों को अपना वार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अंतिम सूची देखे पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने पूरी सूची आ जाएगी, कौन कौन इसके पात्र हैं, किन किन का नाम आया है और कौन कौन इसको ले सकता है, पूरी सूची यहाँ पे आ गई है। अब दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आपका इसमें नाम है या फिर नहीं है तो आप लोगों को फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए आप सिंपली करेंगे क्या, एक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिसमें आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ये फॉर्म है। आप सभी को भरना कैसे वो आपको मैं बता देता हूं। इस फॉर्म को पहले आप लोग यहां पे प्रिंट निकलवा लेंगे, हार्ड कॉपी के रूप में अपने पास में रखेंगे। यहां पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, समग्र आईडी आप लोगों को डालना पड़ेगा सबसे ऊपर। उसके बाद में एक आधार नंबर जो कि लेडीज का आधार नंबर होगा, आवेदक का नाम आप लोग डालेंगे, उसके पिता पति का नाम डालेंगे, जन्मतिथि डालेंगे, पूरी यहां पर आवेदक का पता डालेंगे, उसके बाद में वार्ड वगैरह डालेंगे, जिला डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, इतना आपने डाल दिया। उसके बाद में मोबाइल नंबर, अब यहां पर वर्ग यानी कि वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सामान्य में आता है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अदर में आता है, क्या शासन के विधवा निःशुल्क इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, हाँ या फिर नामे आपको जवाब देना है। विवाह की स्थिति में आप लोगों को विवाहित है या फिर तलाकशुदा है, विधवा है या फिर परित्यक्ता है, इसमें आपको सिलेक्ट कर देना है जो भी है। एंड यहाँ पे सभी टिकों को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना कि मैं घोषणा करती हूँ कि लगाए गए सभी टिक बिल्कुल सही है यहाँ पे पढ़ने के बाद में। इसके बाद में आपको नीचे आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पे करने को मिलेंगे, यहाँ पे आप लोगों को साइन कर देना है। एंड इसके बाद में देखेंगे नीचे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, यहाँ पे आप लोगों को पंजीयन क्रमांक वगैरह आवेदक क्रमांक ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मैं बता देता हूं, यहाँ पे आप लोगों को आधार बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं है, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। डीबीटी हो रही है एनावल या हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद में निम्न कारणों से आवेदक का ग्राह्य नहीं किया गया, इसके बाद में ये सभी कार्य आप सभी का नहीं है, यहाँ पे ये सेक्रेटरी का काम। इसके बाद में आपको करना क्या है, सिंपली इसको आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के पूरा भर लेना है। भरने के बाद में इसके साथ में आप लोगों को पूरी कॉपी लगा देनी है, अपना आधार कार्ड,
अपना वोटर कार्ड, अपना समग्र परिवार आईडी एंड बैंक खाता की पासबुक और एक फोटो सिंपली साइन करके सभी को अटैच करके आप लोगों को अपनी पंचायत में जाकर सेक्रेटरी के पास में जमा कर देना। दोस्तों आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं है जिससे आप लोग ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हो। आप सभी के लिए सुविधा रहे इसलिए आप लोगों को फॉर्म डायरेक्टली दे रहे हैं। आप लोगों को नहीं मिले शायद इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से डाउनलोड करके डायरेक्टली आप लोग इसको भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों का पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा अगले मंथ से ही, ₹1,000 जो भी आ रहा है आप लोगों का। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट करिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेक्स्ट अपडेट मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।